नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं वास्तु शास्त्री आनंद शर्मा आपके लेके आया हूं 30x45 में बहुत ही प्यारा सा घर का प्लान। आज इस प्लान में हम डिस्कस करेंगे घर के अंदर कहां पर क्या चीज रखनी चाहिए, वास्तु अनुरूप घर का निर्माण कैसे कर सकते हैं, किन किन चीजों के बारे में आपको सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जो प्लाट है वो अपना पूर्व मुखी है, ईस्ट फेसिंग। अब सामान्य लोगों को नहीं पता होता है पूर्व दिशा कौन सी होती है। जिस तरफ सूर्य उदय होता है वो दिशा पूर्व दिशा मानी जाती है, लेकिन कंपास की सहायता से आपको देखना चाहिए कि सामने हमारे पूर्व दिशा आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद में बात करते हैं प्लाट के साइज की। प्लाट आगे से बराबर 30 फीट है, सेम बराबर आपका पीछे से 30 फीट है, यानी कि प्लाट की चौड़ाई में किसी प्रकार का अंतर नहीं रखा गया है। 45 फीट 45 फीट लंबाई ली गई है और 45 फीट इधर से लंबाई ली गई है, यानी कि लंबाई भी दोनों तरफ से बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है। ये बात हम आपको क्यों बता रहे हैं, जब भी आप घर का निर्माण करें कभी भी टेढ़े मेढ़े प्लॉट में घर का निर्माण ना करें, ऐसा घर रहने लायक नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं ईस्ट फेसिंग, यानी कि पूर्व दिशा कैसी होती है। वास्तु शास्त्र के अनुरूप पूर्व दिशा बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पूर्व दिशा भगवान सूर्य देव की दिशा होती है, यश कीर्ति और शौर्य देने वाली होती है। ऐसी दिशा के घर अगर पूर्ण वास्तु का ध्यान रखकर बने हुए होते हैं तो इन घरों में निवास करने वालों के जीवन में अति शीघ्र खुशहाली, धन धान्य और सुख समृद्धि आती है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य दरवाजे की। जब भी आप पूर्व मुखी घर बनाए ध्यान रखें मेन डोर आपका यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में काफी लोगों के कमेंट आते हैं, सर पूर्व मुखी घर में तुलसी का पौधा कहाँ लगाएं। तुलसी का पौधा आप यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर आपको मनी प्लांट लगाना है वो भी आप अग्नि कॉर्नर में लगा सकते हैं, सबसे शुभ रहता है। आगे की तरफ हमने 4 फीट स्पेस छोड़ा है। उसके बाद में आप देखिए घर के ऊपर जाने के लिए हमने स्टेयरकेस दी है, वास्तु अनुरूप पूरी स्टेयरकेस रहेगी। सीढ़ियां क्लॉकवाइज घर के ऊपर जाएगी और पूर्व दिशा में खुलेगी। जब ऊपर जाके खुलेगी तो आगे के पोर्शन में ऑटोमेटिक आप बालकनी आपका स्पेस यूज हो जाएगा। उसके बाद में देखिए आप घर के अंदर एंटर करते हैं, घर के अंदर का मुख्य दरवाजा। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, घर के अंदर का ये जो दरवाजा होता है ये दरवाजा घर के अन्य दरवाजों से बड़ा रखें। वास्तु शास्त्र में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर समझदार व्यक्ति अपने घर का निर्माण करता है और एक अच्छा जीवन यापन करता है। वास्तु के अनुरूप ही आपको अपने घर, दुकान या फैक्ट्री का निर्माण करना चाहिए ताकि भविष्य में आपके बच्चों को भी परेशानी ना हो। ये आपका मुख्य द्वार हो गया। कौन सा है, मेन चौखट हो गई। अंदर प्रवेश करेंगे आपका ड्राइंग रूम आ गया। किसी भी गेस्ट के बैठने के लिए एल शेप में सोफे लग जाएंगे। 12 फीट ऐसे, 14.5 ऐसे लिया गया। एक विंडो इधर दी गई, आप चाहें तो एक विंडो इधर भी दे सकते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा, शानदार आपका घर बनेगा। उसके बाद में देखिए अंदर जाने का ये दरवाजा हो गया। अंदर जैसे ही आते हैं इस दीवार से लेकर यहां तक और इस दीवार से लेकर यहां तक ये पूरा आपका लिविंग हॉल, लॉबी एरिया या वास्तु शास्त्र की भाषा में आपका ब्रह्म स्थान और सामान्य भाषा में इसको घर का हॉल या आंगन कहा जाता है। ध्यान रखें कभी भी हॉल या आंगन को पूरा कवर कभी भी ना करें। वास्तु की दृष्टि से आपको पता है, पिछले वीडियो भी आपने हमारे देखे होंगे कि ब्रह्म स्थान हमेशा खुला रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं घर के अंदर सब निरोग रहें, सुख और समृद्धि से रहें, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। बात आती है पूजा घर की। काफी लोग ये डिस्कस करते हैं, सर पूजा करते हैं मगर बेनिफिट्स नहीं होता, तो यथास्थान अपना पूजा घर बनाए, या तो एकदम ईशान कॉर्नर में दे, या पूर्वी ईशान में, या उत्तरी ईशान में दे। ये आपके उत्तरी ईशान में दिया गया है, जहां स्वास्थ्य का यथास्थान पूजा घर बनाए। पूजा घर के अंदर एक वेंटिलेशन विंडो जरूर रखें। उसके बाद में देखिए आप ठीक इधर प्रवेश करेंगे, ये कौन सा कॉर्नर आ गया, ये पूरा कॉर्नर आपका अग्नि कॉर्नर आ गया। और जो स्टेयरकेस दी गई है वो अग्नि कॉर्नर में ही आ रही है। पूरब की दीवार से हटकर हमने स्टेयरकेस दी है तो वास्तु की दृष्टि से उत्तम है। कभी भी स्टेयरकेस को ईशान कॉर्नर में नहीं देना है। यहाँ पर आपका किचन आ रहा है, 8x12 फीट का किचन रहेगा। एक विंडो आपकी फ्रंट में ओपन होगी, परफेक्ट वेंटिलेशन रहेगा, यथास्थान अगर किचन बनता है, घर की महिलाओं का, बच्चियों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, आपके पति पत्नी के बीच में सामंजस्य भी अच्छा रहता है, प्रेम प्रगाढ़ होता है। उसके बाद में आप सामने प्रवेश करेंगे, 10 फीट ऐसे, 13 फीट ऐसे, बहुत सुंदर 10x13 का रूम है। एक विंडो आपके इधर दी गई है, साउथ साइड में अदर प्रॉपर्टी है, किसी भी तरह की विंडो ओपन नहीं होगी। आप चाहें तो स्टेयरकेस के नीचे भी एक विंडो दे सकते हैं क्योंकि पूरा ओपन एरिया रहेगा।
इसके बाद इधर प्रवेश करेंगे, कौन सा कॉर्नर है, नर्तज्ञ कॉर्नर है। नर्तज्ञ कॉर्नर का वास्तु क्या कहता है, ये भूमि तत्व है मित्रों, भूमि तत्व। जिस तरह आपका शरीर पंच तत्व से निर्माण होता है, ठीक उसी तरह घर बनाते समय आपको पांच तत्वों को ध्यान में रखकर ही निर्माण करना है। और ये चीज आपको एक वास्तु शास्त्री ही समझा सकता है, और वास्तु अनुरूप नक्शा एक वास्तु शास्त्री अच्छा बना सकता है। तो अपने आसपास के अच्छे वास्तु शास्त्री से नक्शा बनवाएं, प्रॉपर तरीके से घर का निर्माण करें। ये रूम आपका नर्तज्ञ कॉर्नर आ गया है। किसके लिए उत्तम है, आपके माता पिता दादा दादी उनके लिए सबसे उत्तम रूम रहता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। आप चाहते हैं लंबे समय तक उनका आशीर्वाद बना रहे, तो इसी रूम में उनको निवास करवाइए, दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी 13x14 फीट का एक सुंदर सा रूम है, एक विंडो आपके पश्चिम दिशा में दी गई है, पश्चिम दिशा ओपन है। उसके बाद में आप इधर प्रवेश करेंगे, क्या मिल रहा है आपको, एक शानदार रूम मिल रहा है। रूम का जो साइज की हम बात करते हैं, 10x13 फीट का रूम है। आप चाहें तो बैक साइड में एक विंडो दे सकते हैं, और आप चाहें तो फ्रंट में भी दे सकते हैं, तो एक विंडो आप कहीं भी दे सकते हैं। उसके बाद में बाहर आने के लिए उत्तर दिशा में वास्तु अनुरूप दरवाजा दिया गया है, एक विंडो रखी गई है, प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। उत्तर दिशा में पूर्व दिशा के दरवाजे विंडो सुख समृद्धि देने वाले होते हैं, उत्तर दिशा भगवान कुबेर की होती है। अगर आपके सही स्थान पर दरवाजा है विंडो है, घर के अंदर धन की कमी नहीं रहती है। इधर प्रवेश करेंगे, बाहर की तरफ दो लेटरिन बाथरूम दिया गया, ये स्नान घर दिया गया, ये आपके लेटरिन घर दिया गया है, वास्तु अनुरूप दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी आप इस अकॉर्डिंग बहुत प्यारा सा वास्तु अनुरूप घर बनाकर सुख समृद्धि से जीवन यापन कर सकते हैं। शहर के अंदर भी अगर आपके बड़ा प्लॉट है तो इस अकॉर्डिंग आप घर बना सकते हैं। ये प्लान था जिसके अंदर लेट बाथ भाग दिए गए हैं, काफी हमारे प्लान है उनके अंदर भी लेट बाथ दिखाए गए हैं। हर क्लाइंट के लिए, हर सब्सक्राइबर के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान लाने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी चीज पूछनी हो कमेंट करके अति शीघ्र आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वास्तु अनुरूप अपने घर का नक्शा कंप्यूटराइज बनाना है, एलिवेशन डिजाइन वास्तु अनुरूप रखनी है, लेटेस्ट रखनी है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्क रहता है, पेड सर्विस रहती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।